हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आईआईटी जैम का अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो जल्दी ले लीजिए। कुछ ही दिन में प्राइस हाइक होने वाली है, प्राइस जो है इसकी बढ़ने वाली है, तो प्राइस बढ़ने से पहले ही आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि आपको एडिशनल चार्जेस, जो एक्स्ट्रा चार्जेस प्राइस बढ़ेगी, वो ना पे करने पड़े। उसके बाद आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अनअकैडमी की तरफ से अचीवर्स बैच यानी कि न्यू बैच शुरू हो रहा है, बैच फिफ्थ और बैच सिक्स बायोटेक, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 21 अप्रैल से। इसमें आप एनरोल कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर खुद को एनरोल कीजिए। और प्राइस बढ़ने से पहले ही अगर आप सोच रहे हैं लेने का सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। उसके बाद अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज़ कीजिए, CHALKTALK10, आपको 10% की छूट मिल जाएगी और इसी तरह के बेनिफिट्स आपको अनअकैडमी के ऊपर मिलेंगे बहुत सारे। चलिए अब वीडियो में आगे चलते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्लांट डिजीज़ के बारे में, बेसिकली वो प्लांट डिजीज़ जिनके कॉजिटिव एजेंट होते हैं फंजाई। और ये लेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉइंट टू पॉइंट बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, जैसे कि IIT जैम का हो गया, बायोलॉजिकल साइंसेज में, बायोटेक्नोलॉजी में, JRF नेट हो गया हमारा बायोसाइंस वाला जो CSIR नेट होता है, उसके बाद CUCET, AMU, JNU, BHU, DU, HCU, टिफर या फिर जनरल बायोलॉजी के कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन रहेगा या कोई भी सिलेबस रहेगा जिसमें जनरल बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वहां पर ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में मैंने आपके लिए लेकर आया हूं ये 10 प्लांट डिजीज हैं जो कि जिनके कॉजिटिव एजेंट फंजाई है, और यहां से आपके लिए क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो नंबर वन है, पहले नंबर पर है वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो, जिसे कि पोटैटो वार्ट भी कहते हैं। इसका जो फंजाई है कॉजिटिव एजेंट वो है सिंकाइट्रियम, आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद में है, मैंने अब से पहले जो वीडियो बनाया था वो बनाया था प्लांट डिजीज और जो डिजीज थे वो बैक्टीरिया से सारे कॉज हो रहे थे, 10 डिजीज के बारे में बताया था। तो ये है स्टेम रोट पपाया सेकंड नंबर पर, इसका कॉजिटिव एजेंट है पाइथियम। थर्ड नंबर पर है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, इसके कॉजिटिव एजेंट एल्ब्यूगो और कैंडिडा। उसके बाद में डाउनी मिल्डिव ऑफ पी, देखिए मिल्डिव डिजीज जो है, डाउनी मिल्डिव, पाउडरी मिल्डिव, इस तरह की कई डिजीज हो सकती हैं और बहुत सारी क्रॉप्स में पाई जाती हैं, जैसे कि पी प्लांट जो होते हैं, चना जो होता है, उसके बाद वीट में भी पाई जा सकती हैं जो मिल्डिव की डिजीज होती हैं। तो डाउनी मिल्डिव, इनमें कन्फ्यूज मत होना, डाउनी मिल्डिव अलग है और पाउडरी मिल्डिव अलग है। तो डाउनी मिल्डिव ऑफ पी इसका है पेरोनोस्पोरा, उसके बाद में पाउडरी मिल्डिव ऑफ पी इराइसिफे या इराइसिफ या इराइसिफे, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहो, स्पेलिंग याद रखिएगा, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन आप अपनी तरह से कर सकते हैं। उसके बाद पाउडरी मिल्डिव ऑफ वीट, इसका भी सेम है कॉजिटिव एजेंट। रस्ट वीट जो डिजीज है इसको हम बोलते हैं वीट रस्ट भी बोला जाता है इस डिजीज को, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट कॉमन डिजीज भी है, क्योंकि वीट जो है इंडिया में बहुत बड़े लार्ज स्केल पर इसको पैदा किया जाता है, उगाया जाता है। तो वीट रस्ट जो डिजीज है इसका कॉजिटिव एजेंट है पक्सीनिया ग्रैमिनिस, इसको आप याद रखिएगा, ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेड रोट ऑफ शुगर केन, अगेन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। शुगर केन की जितनी भी डिजीज रहेंगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि शुगर केन इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर ग्रो किया जाता है। रेड रोट ऑफ शुगर केन इसका जो कॉजिटिव एजेंट है फंजाई वो है कोलेटोट्राइकम। उसके बाद में बंट ऑफ वीट, इसका कॉजिटिव एजेंट है टिलेशिया। एंड रस्ट ऑफ लिंसीड, इसका जो आपका कॉजिटिव एजेंट है मिलेमस्पोरा। तो ये कुछ डिजीज थी, फंगल डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में, या जनरल बायोलॉजी का कैसा ही भी एग्जाम हो, जनरल बायोलॉजी का कोई भी सिलेबस हो ना, वहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।